हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन में। सबसे पहले सुबह सुबह 6 बजे करते हैं हम लोग द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन। ये डिस्कशन दोस्तों शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी बच्चे जग चुके हैं, सुबह सुबह उठ चुके हैं, मेरे साथ एनर्जी पूरी रहनी चाहिए। पूरी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। बैंक, SSC, UPSC, डिफेंस, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश आपकी यहां से इंप्रूव होगी। शुरुआत करेंगे आज के क्या द हिंदू के आर्टिकल आए हैं, उन आर्टिकल को पढ़ते हैं, डिस्कशन में लाते हैं और उसकी वोकैबुलरी के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग जरा आइए देखते हैं। न्यूज़पेपर में आएंगे, द हिंदू लिखेंगे, इस तरीके से वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। दोस्तों जैसे ही वेबसाइट ओपन होकर आए, ओपिनियन वाले सेक्शन पर टैप करना है। दो आपके एडिटोरियल दिखेंगे। पहला एडिटोरियल ये है जो कि हायर पेंशन को लेकर EPFO की तरफ से आर्टिकल है। कुछ दिनों पहले भी आर्टिकल आया हुआ था, कुछ नया डेवलपमेंट है, जो डेडलाइन थी उसको बढ़ा दिया गया है। क्या है पूरी बात, डिटेल डिस्कशन दोस्तों हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। अगला आर्टिकल दोस्तों ये, इस बार वर्ल्ड कप जो है ना, वर्ल्ड कप तो वन डे जो वर्ल्ड कप होता है पूरे पूरे 50-50 ओवर का, वो इस बार इंडिया होस्ट करा रहा है दोस्तों। तो काफी सारी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऊपर, अपने ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि वर्ल्ड कप जीतना है। और मुझे बताओ कितने लोग चाहते हैं कि वर्ल्ड कप जीते इंडिया। हाँ हाँ हाँ, तो मुझे लगता है सभी लोग चाहते हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीते। तो एक बार दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा सभी लोग, है ना। दोनों एडिटोरियल को हम पढ़ेंगे बढ़िया से। आइए सबसे पहले वो क्या नोट करेंगे, इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहला आर्टिकल ये रहा। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हुए देखो, पहला आर्टिकल आपके सामने है, कीप इट सिंपल। ये EPFO का आर्टिकल है, इसकी टोन क्रिटिकल और कंसर्न्ड है। अभी पढ़ेंगे क्रिटिकल और कंसर्न कैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो एक क्वेश्चन टोन का पूछा जाता है। आज मैंने एंड में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बनाया हुआ है, तो बढ़िया शानदार तरीके से दोस्तों इसे पढ़ेंगे। एक बार सभी लोग लिख दीजिए जय हिंद जय भारत। सभी लोग कमेंट बॉक्स पे भर जाना चाहिए कमेंट बॉक्स हमारा, जय हिंद जय भारत सभी लोग लिख दीजिए। आ जाइए, वो क्या अपलोड करना शुरू करेंगे। पहला वर्ड है आपके लिए दोस्तों पर्टेन। वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब हैज टू डू विद और रिलेट्स टू। कोई चीज जो किसी से जुड़ी हुई है, संबंधित है, उसे हम कहते हैं दोस्तों दैट इज पर्टेन। सिनोनिम हो गया रिलेट करना, कंसर्न दिखाना। रिलेट करना, कंसर्न करना, दोनों के दोनों सिनोनिम हो गए। एंटोनिम हो गया उससे रिलेट ना करना, उससे अलग हो जाना, दूर हो जाना, दैट इज डिसोसिएट हो जाना, डिसकनेक्ट हो जाना, अलग हो जाना, दूर हो जाना, डिसोसिएट हो जाना, डिसकनेक्ट हो जाना। सेंटेंस हमने देखा यहां पर, द एविडेंस पर्टेन्स टू अ केस। ये एविडेंस एक ऐसे केस से जुड़ा हुआ है दैट वॉज क्लोज्ड इयर्स अगो, जो कि कई वर्षों पहले बंद हो गया था। तो समझ में आ गया पर्टेन का इस्तेमाल कैसे होता है। ये हमारा पहला सेंटेंस का यूज मैंने पढ़ के बता दिया है। बाकी सेंटेंस के यूज आप PDF डाउनलोड करोगे, वहां से पढ़ोगे खुद से। मुझे लिख दो एक बार कमेंट बॉक्स में, यस सर पढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिख दो एक बार, यस सर पढ़ेंगे खुद से। जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों। अगला वर्ड है डिस्पर्सल। नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, जब कभी भी पेमेंट का वितरण होता है उसी को ही हम कहते हैं वो डिस्पर्सल हो रहा है। यूजुअली अमाउंट के सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। हमने लिखा था पेमेंट ऑफ मनी फ्रॉम अ फंड, किसी भी फंड से मनी का पेमेंट होना, दैट इज भुगतान हिंदी में लिख दिया। अगला शब्द दोस्तों सिनोनिम में, पेमेंट और एक्सपेंडिचर खर्चा दोनों सिनोनिम बन गए। कलेक्शन करना, अक्यूमुलेशन का मतलब भी कलेक्ट करना ही होता है, कलेक्शन करना ही, दोनों के दोनों दोस्तों इसके दोस्तों एंटोनिम बन गए। सेंटेंस यूज खुद से पढ़ोगे। अगला शब्द दोस्तों ओवरसी करना, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। दो वर्ड बताता हूं दोस्तों। पहला वर्ड ओवरसी, जिसका मतलब है सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, निरीक्षण करना। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। दूसरा एक और वर्ड बताता हूं, दैट इज ओवरलुक। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, क्योंकि ये भी ओवर ये भी ओवर, ये सी मतलब देखना, लुक मतलब देखना, दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। दोनों के मतलब में बहुत बड़ा अंतर है एक दूसरे के एंटोनम है। जरा सोचिए, ओवरसी का मतलब है किसी चीज का निरीक्षण करना, सुपरवाइज करना, और ओवरलुक का मतलब है किसी चीज को इग्नोर कर देना, अनदेखा कर देना, ध्यान ना देना। समझ रहे हो, ये इसका मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों देखो इसके सिनोनिम हमने यहां पर लिख दिए, सुपरवाइज करना, मॉनिटर करना, निग्लेक्ट करना, इग्नोर करना, इसके क्या हो गए एंटोनम हो गए। ध्यान रहेगा, है ना, बिल्कुल ध्यान रहेगा। अगले वर्ड की तरफ आते हैं, इंप्लीकेशन। ION है, नाउन की तरह इस्तेमाल होगा, ऐसे वर्ड हमेशा याद रखिएगा। एक कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम समथिंग, एक कंक्लूजन जो कहीं से निकाला जा सकता है,
है ना, और although it is not explicitly stated, यद्यपि वो conclusion explicitly नहीं पता हो, explicitly का मतलब है clearly, clearly stated मतलब बताया गया हो, तो explicitly भले ही नहीं बताया गया हो, इसी को हम कहते हैं वो क्या है, implication आया, इसको हम लोगों ने लिखा दोस्तों, noun की तरह इस्तेमाल हुआ है। सिनोनम हो गए इन्फेरेंस और कोनोटेशन, दोनों का मतलब हो जाता है कि क्या उसका मतलब है। आप बैंक में मेंस एग्जाम में इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, उसका मतलब क्या हो जाता है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, क्या उसका मतलब है, हमें वही निकालना है। कितने बच्चों ने इन्फेरेंस वाले क्वेश्चंस किए हैं, मैंने जितने भी लोग कराए हैं बैचेस में मेंस में, आप लोगों ने किए जरूर होंगे, एक बार सब लोग लिख कर मेरे को बताओ जी सर हमने किए, या आप सब लोग बता दो। सिनोनम हो गए हमारे एंटोनम हो गया एंटोनम हो गया एक्सप्लिसिटनेस और क्लैरिटी। एक्सप्लिसिटी का मतलब हो जाता है साफ साफ बता देना, कोई उसमें छुपा के नहीं रखना, तो ये दोनों के दोनों दोस्तों क्या हो गए, एंटोनम की तरह इस्तेमाल हो गए। अगला शब्द है वर्डिक्ट, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है जब कभी भी कोई भी कोर्ट में जजमेंट सुना दिया जाता है या कोर्ट का कोई एक डिसीजन आता है, उस डिसीजन को कहा जाता है वर्डिक्ट। क्या कहा जाता है दोस्तों, वर्डिक्ट। हमने कहा ए डिसीजन on issue, especially in a law or in a law court, तो उसी को हम क्या कहते हैं, verdict कहते हैं। synonym हमने judgment लिखा, decision लिखा, antonym हमने लिखा आरोप लगा दिया, accusation कर दिया, allegation कर दिया, तो ये दोनों के दोनों दोस्तों इसके antonym बन गए। याद रहेगा दोस्तों, बोलना जी सर याद रहेगा। अगला शब्द है consent, noun की तरह इस्तेमाल होता है किसी भी चीज में। आप अपना जब consent देते हो, इसका मतलब आप वहां पर अपनी सहमति दे रहे हो, अग्रीमेंट हो रहे हो, सो अग्री होने को, सहमत होने को कॉन्सेंट कहा जाता है। सभी लोग लिखते जाओ, बड़ा स्लो स्लो लिख रहे हो, मुझे लगता है आप लोग देखते ज्यादा हो, लिखते नहीं हो, अपनी नोटबुक में लिख रहे हो तो मेरे को बता दो, जिसे नोटबुक में लिख रहे हैं तो बढ़िया है। कमेंट कम करते हो तो लगता है यार कि लिख नहीं रहे हो, मोबाइल फोन ऑन करके साइड फेंक दिया, ऐसा तो नहीं किया है ना। सुबह 4 बजे उठता हूं दोस्तों, तब जाकर फुल एनर्जी आती है, 6 बजे जब आपको पढ़ा रहा होता हूं, कंटेंट बना रहा होता हूं, इसलिए आपके मुझे आपका पूरा एकदम कंटिन्यूअस एनर्जी दिखनी चाहिए, सुबह सुबह एकदम फर्स्ट क्लास है ना, आ जाओ। सो कॉन्सेंट हमने समझ लिया। अगला इसका सिनोनम देखो, अप्रूवल देना, अग्रीमेंट देना सिनोनम हो गया, डिसअप्रूवल हो जाना, रिजेक्शन हो जाना, दोनों इसके एंटोनम हो गए। याद रहेगा दोस्तों, बोल दीजिएगा याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है एरियर। आप लोगों के घर में मम्मी पापा जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, आपको पता होगा एक टर्म आता है एरियर, सरकारी नौकरी वालों के लिए ही टर्म होता है ये, प्राइवेट वालों के लिए बेचारों के लिए कुछ नहीं होता है, वो साइड होते हैं, उनके लिए होता है इंसेंटिव, ठीक है। अच्छा, सो एरियर है ये वो पैसा होता है दैट इज ओड एंड शुड हैव बीन पेड अर्लियर, जो बकाया पैसा। एग्जांपल के तौर पर मार्च के महीने का आपकी जो सैलरी थी, फॉर एग्जांपल आपके हाथ में आनी थी वो 55,000 आनी थी, ठीक है, और 55,000 के बाद कुछ और एडिशनल आपके सामने कुछ पर्क्स आपको मिले, और एडिशनल पर्क्स कितने थे दोस्तों, 2,000 एडिशनल पर्क्स थे। अब वो 2,000 आपके साथ आया नहीं, 55,000 तो सैलरी आ गई, अप्रैल का मंथ आया तो इसमें भी सैलरी आई 2,000, इसका भी बचा, मार्च अप्रैल मई आया इसका भी ऐसा बचा। अब जून में फॉर एग्जांपल हमने कहा कितना बकाया है, तो टोटल मिला के हमने कहा 6,000 रुपए ये बकाया है, तो वो जो 6,000 रुपए हुआ उसी को हम कहते हैं वही क्या है, एरियर है। कितने लोग जानते हैं जरा मुझे बता दें कि जी सर समझ गए हैं, डन, सही है, समझ गए, चलो बहुत बढ़िया, इसी की बात हो रही है यहाँ पर। अब सभी सरकारी जो नौकरी करने वाले लोग हैं उन्हीं की बात हो रही है। चलो, एक प्रकार का ड्यू है, एक प्रकार का ये डेट हो जाता है जिसको देना है ना, और जो एडवांस मिल गया, पहले ही मिल गया, प्री पेमेंट हो गया, इसको कहते हैं ये तो भैया एंटोनम हो गया। आखिरी शब्द एक कॉमेंस है, कॉमेंस का मतलब किसी चीज का स्टार्ट करना, शुरू करना, इसे कहा जाता है कॉमेंस करना। सो बिगेन और स्टार्टेड, शुरू करना हो गया कॉमेंस, इसका सिनोनम लिखा स्टार्टेड हो गया, इनिशिएट हो गया, दोनों का मतलब शुरू होना, एंड हो गया, कंक्लूड हो गया, दोस्तों दोनों के दोनों ये एंटोनम बन गए। हो गई हमारी वो कैप कंप्लीट पहले वाले एडिटोरियल की। आप कहोगे सर एक तो वो कैप इतनी आसान आई, ऊपर से कंप्लीट भी हो गई, टेंशन मत लो, इतनी आसान ही वो कैप पहले एडिटोरियल में आई थी, मगर दूसरा वाला एडिटोरियल जो है क्रिकेट वाला, उसमें ज्यादा अच्छी वो कैप आई है, जो काफी ज्यादा एकदम नई नई होंगी, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उसमें पढ़ के बहुत मजा आने वाला है। इसकी अब हम चलते हैं दोस्तों ईडियम्स की तरफ, ईडियम्स इसकी काफी सारी नई नई आपको देखने को मिलेंगी, और उनको सबको मैंने नोट करवा लिया, अब जितनी भी ईडियम्स आपको यहां पर दिखेगी, देखो ये रही ईडियम्स, ठीक है, आ चलते हैं ईडियम मेरे साथ नोट करेंगे। देखो दोस्तों 10 ईडियम एक साथ मैंने लिख दी हैं, याद कर लेंगे, रिवीजन करेंगे तो याद भी होगा बढ़िया से, तो रिवीजन मेरे साथ करते जाना है, ठीक है। चलो पहली ईडियम, एक्सरसाइज द ऑप्शन लिखा हुआ है, एक्सरसाइज द ऑप्शन का मतलब टू टेक अप और यूटिलाइज अ चॉइस और अल्टरनेटिव,
जो भी अल्टरनेटिव है, जो भी ऑप्शन है, जो भी चॉइस है, उसका एडवांटेज लेना, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज द ऑप्शन। उसी को क्या कहते हैं, एक्सरसाइज द ऑप्शन। अगला है दोस्तों लेफ्ट सर्विस। लेफ्ट सर्विस विच मीन्स टू क्विट और सीज वर्किंग इन अ प्रोफेशन और रोल, कि एक प्रकार के काम करने में, एक प्रकार के प्रोफेशन और रोल में काम करना बंद कर देना, किसी प्रोफेशन में किसी रोल में काम करना बंद कर देना, दैट इज लेफ्ट सर्विस। काम करना बंद कर देना, दैट इज लेफ्ट सर्विस, सर्विस को छोड़ देना, दैट इज लेफ्ट सर्विस, सर्विस को छोड़ देना। अगले चलते देखो मीट ऑल दी। मीट का मतलब किसी से मिलना नहीं, मीट ऑल दी रिक्वायरमेंट्स, मीट ऑल दी डिमांड्स, मीट ऑल दी नीड्स, तो मीट करके लिखते हैं, विच मीन्स टू फुलफिल ऑल दी रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया। जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करने को कहा जाता है मीट ऑल दी। क्या कहा जाता है दोस्तों, मीट ऑल दी। आगे लिखा इट इज टू अर्ली टू इंडिकेट, इंडिकेट करना काफी जल्दी हो जाएगा। इट इज प्री मैच्योर टू सजेस्ट अ शो, यानी कि किसी भी चीज को बताना, किसी भी चीज के बारे में डिस्कशन करके समझाना कि चीज ऐसी होगी ऐसी, काफी जल्दी हो जाएगा। अभी इतनी जल्दी इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं बता सकते। अगला है इश्यू ऑफ कंसर्न, ये टर्म यूज हुआ है, इश्यू ऑफ कंसर्न है, यानी कि ए मैटर ऑफ प्रॉब्लम दैट इज वरिंग और इंपॉर्टेंट, जो कि चिंताजनक है और महत्वपूर्ण है। एक मैटर है जो कि चिंताजनक है और महत्वपूर्ण है, दैट इज इश्यू ऑफ कंसर्न, उसे क्या कहते हैं, इश्यू ऑफ कंसर्न। अगला है अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, यानी इसके संदर्भ में, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडरिंग द सिचुएशन, यानी कि इसके संदर्भ में, इसकी सिचुएशन में। अगला है हरकुलियन टास्क, ये बड़ा कॉमन इडियम है, बहुत बार यूज होता है। हरकुलियन टास्क एक ऐसा टास्क जो बहुत डिफिकल्ट है, ए टास्क दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, रिक्वायर्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एफर्ट, जिसमें बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, बहुत डिफिकल्ट है, उसी को हम कहते हैं हरकुलियन टास्क। क्या कहते हैं दोस्तों, हरकुलियन टास्क। अगला है स्टैंड द टेस्ट ऑफ स्क्रूटनी, स्टैंड द टेस्ट ऑफ स्क्रूटनी, है ना, तो स्टैंड द टेस्ट ऑफ स्क्रूटनी का मतलब सर्वाइव कर जाना ए दौरो और डिटेल्ड एग्जामिनेशन को या फिर एनालिसिस को, एक कंप्लीट एग्जामिनेशन, कंप्लीट एनालिसिस होना है, उसको पूरे तरीके से सर्वाइव करने को कहा जाता है स्टैंड द टेस्ट ऑफ स्क्रूटनी। क्या कहा जाता है, स्टैंड द टेस्ट ऑफ स्क्रूटनी। अगला है नो वे आउट, कोई भी अब रास्ता नहीं बचा है, नो वे आउट दैट इज नो पॉसिबल मीन्स ऑफ एस्केप और सोल्यूशन, एस्केप करने का, भाग जाने का, बच निकलने का या किसी प्रकार के सोल्यूशन का कोई रास्ता नहीं बचा है। आखिरी है द स्पिरिट ऑफ द जजमेंट, द स्पिरिट ऑफ द जजमेंट, द एसेंशियल प्रिंसिपल और पर्पस बिहाइंड अ जुडिशियल डिसीजन, एक जुडिशियल डिसीजन के पीछे जो पर्पस है, एसेंशियल प्रिंसिपल पर्पस, उसी को कहा जाता है दैट इज द स्पिरिट ऑफ द जजमेंट, ये जजमेंट की स्पिरिट है। समझ में आ गई, 10 idiom दोस्तों यहां यूज हुई है। पहला वाला एडिटोरियल है, कीप इट सिंपल, टोन इसकी जा रही है, पहले क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिकल है, फिर चिंता दिखा रहे हैं, कंसर्न है, दोनों को ध्यान रखेंगे। अब फ्रेजल वर्ब पे आते हैं इसी की, ठीक है, ये रही फ्रेजल वर्ब। पहला है दोस्तों रिटायर, रिटायर के साथ हमेशा फ्रॉम लगाएंगे, जिस पोजीशन से रिटायर होते हैं उसके लिए हम फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाते हैं। टू स्टॉप वर्किंग इन अ जॉब और प्रोफेशन, किसी जॉब और प्रोफेशन में काम करना बंद कर देना, दैट इज रिटायर फ्रॉम। अगला है दोस्तों फैक्टर इन, फैक्टर इन का मतलब होता है टू इंक्लूड और कंसीडर समथिंग इन अ मेकिंग, इन मेकिंग अ डिसीजन और कंक्लूजन, एक कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, एक डिसीजन लेने के लिए, क्या है, इंक्लूड कर लेना किसी चीज को, मान लेना, कंसीडर कर लेना, इसी को हम कहते हैं फैक्टर इन करना। क्या कहते हैं दोस्तों, फैक्टर इन करना, ठीक है, बोले जी यस सर, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, हो गई हमारी यहां पर दोस्तों फ्रेजल वर्ब। लेट्स मूव टू द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पे चलते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, और जितने बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से बढ़िया से प्यारा सा लाइक बटन में प्रेस कर दें और एक कमेंट में दिल भी दिखा दें, मुझे लगे कि हाँ एनर्जी आपके अंदर है, बढ़िया सीख रहे हैं। एक काम जो मैंने आपसे कही थी रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट जरूर पूरी दोस्तों मेरी करिएगा, सबको बस एक ही बार सर्च करना है, एक महीने करना है ये टास्क। क्या सर्च करना है, यूट्यूब पर अपने इस चैनल का नाम लिखो, लिखो एडिटोरियल एंड इंग्लिश विशाल परियार, एडिटोरियल एंड इंग्लिश विशाल परियार, ये पूरा नाम लिखो तो चैनल ना रिकमेंडेशन में आने लग जाएगा, ये ऊपर दिखने लग जाएगा, एक महीने बाद सबसे ऊपर आने लग जाएगा, क्योंकि इसका रीनेम हो रखा है इस वजह से, ठीक है दोस्तों। तो ये टास्क आप लोगों का है और ये मेरी तरफ से आपसे एक हेल्प मैं मांग रहा हूं, ये आप जरूर करिएगा, क्योंकि चैनल की दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं जा रही है सभी लोगों के पास। रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि अभी ये चैनल काफी दिनों से बंद होने के बाद फिर से उठाया तो फिर टाइम लग रहा है उसको रिकमेंडेशन पहुंचने में, बस इतना काम करिएगा, है ना। तो आप शेयर जो करते हैं वो तो करिएगा, एक काम ये जरूर करिएगा, सर्चिंग करोगे अपने आप ही ऊपर दिखने लग जाएगा, ठीक है, ओके। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये रहा अपने सामने एडिटोरियल,
कीप इट सिंपल, कह रहे सिंपल रखो फॉर ऑप्टिंग फॉर हायर पेंशन। जब हायर पेंशन की बात हो दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम एक आ रखी थी जिसमें क्या किया गया, हायर पेंशन जो है दी जाएगी। उस हायर पेंशन में फॉर्म भरने के लिए बोला गया था, फॉर्म तो भर दिया गया है। अब फॉर्म भरने की बात जो है, कंप्लीट फॉर्म नहीं भर पाए थे, अभी भी कई सारे लोग रह गए होंगे, तो उसी के लिए जो डेट है डेट को आगे बढ़ा दिया गया कि बाकी लोग भी फॉर्म भर दें, एप्लीकेशन फॉर्म। ये है सिंपल सी बात। आइए इसे पढ़ते हैं। ईपीएफओ एम्प्लॉई प्रोविडेंट, ये ईपीएफओ दोस्तों एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा नाम है जो ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपके पीएफ का पूरा तरीके ध्यान रखती है जब आप सरकारी नौकरी में होते हैं। तो दोस्तों इसी की बात करें, ईपीएफओ मस्ट सिंप्लीफाई, इन्हें सिंप्लीफाई करना चाहिए प्रोसेस को फॉर मेंबर्स, लो मेंबर्स के लिए टू अवेल हायर पेंशन, ताकि हायर पेंशन अवेल की जा सके। कैसे, क्या बात कर रहे हैं, आओ जरा समझते हैं। दोस्तों कल मैं 6 बजे शाम को पढ़ा रहा था जब इंग्लिश, जब मैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन करा रहा था, तो आप में से एक किसी बच्चे ने कहा था कि सर नाउन नहीं पहचान पाते, तो मैंने कहा कल एडिटोरियल में पढ़ाऊंगा, तो आज दोस्तों से पढ़ाता जाता हूं, जो जो नाउन है वो भी आपको बताता जाता हूं। नाउन को पहचानने के कुछ तरीके तो स्पेलिंग से मैंने आपको बता रखे हैं कि आई यू एन लिखा होगा, एनसीई लिखा होगा, तो आपको पता है नाउन है। कुछ आप ऐसे पहचानोगे कि आर्टिकल द यूज हो रहा है, आर्टिकल ए और एन यूज हो रहा है, तो वो नाउन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, आओ उसे पढ़ते हैं। हमने कहा द मूव, ये मूव है, नाउन है, द मूव बाय दी, ये नाउन है पूरा। ईपीएफओ, ईपीएफओ के द्वारा जो मूव है टू एक्सटेंड दी डेडलाइन, डेडलाइन को बढ़ाने का, एन एन लिखता जाऊंगा समझते जाना, नाउन है। डेडलाइन कहा जाता है वो समय जो निर्धारित किया हो किसी काम को करने के लिए। तो इन्होंने क्या कहा, इनका जो मूव आया है ईपीएफओ का कि डेडलाइन और बढ़ा दी जाए फॉर अ थर्ड टाइम, ये तीसरी बार डेडलाइन बढ़ा रहे हैं फॉर एम्प्लॉइज के लिए और जो पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन मिलनी है उनके लिए, टू एक्सरसाइज द ज्वाइंट ऑप्शन, इस ज्वाइंट ऑप्शन पर आगे बढ़ने के लिए फॉर हायर पेंशन। तो ये जो मूव है इज ऑफ लिमिटेड रिलीफ, ये एक लिमिटेड रिलीफ वाला है। कैसा है, लिमिटेड रिलीफ वाला है। फॉर के बाद एम्प्लॉय भी नाउन है, पेंशनर लिखा ये भी नाउन है, एक्सरसाइज द ज्वाइंट ऑप्शन, ऑप्शन भी नाउन है। ठीक है, फॉर हायर पेंशन, पेंशन भी नाउन है, इज ऑफ लिमिटेड रिलीफ, रिलीफ भी नाउन है। एज सेवरल इश्यूज, कई सारे जो इश्यूज हैं रिमेन अनरिजॉल्व, क्योंकि वो अभी भी अनरिजॉल्व रह गए हैं। एज द एंटायर प्रोसेस, जो ये पूरा का प्रोसेस है, इज एन आउटकम, ये एक आउटकम है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पूरा नाउन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था नवंबर 2022 में, ऑन द वैलिडिटी, जो ये वैलिडिटी है ऑफ अमेंडमेंट्स की, जो बदलाव किए गए हैं मेड इन 2014 टू द एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम, जो ईपीएस एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम है 2014 में ये बदलाव किए गए थे, इसको लेकर दोस्तों इनका जजमेंट आया था 2022 में। ठीक है, द मैटर पर्टेन्स, जो मैटर था वो रिलेट किससे करता हुआ है, टू टू कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स की दोस्तों दो कैटेगरीज थी, एप्लीकेंट्स की दो कैटेगरी थी। पहली कैटेगरी थी जिन लोगों ने रिटायरमेंट ले लिया 2014 से पहले सितंबर के महीने में, 1 सितंबर आई थिंक डेट, हाँ 1 सितंबर 2014 से पहले उन लोग, वो लोग एलिजिबल है, और लोग कुछ उसमें से उसके बाद वाले भी एलिजिबल हो गए थे बाद में। डिसीजन कहने का मतलब ये था, पहले 2014 से पहले वाले तो एलिजिबल थे, उसके बाद वाले एलिजिबल नहीं थे, डिसीजन आने के बाद उसके बाद वाले भी एलिजिबल हो गए, है ना, हायर पेंशन के लिए। ठीक है, सो दोज, पहले वो लोग हु रिटायर, जो रिटायर कर गए थे फ्रॉम सर्विस, सर्विस दोज हु रिटायर फ्रॉम सर्विस प्रायर टू सितंबर 1, 2014, इस डेट से पहले, ये पूरा नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, एंड दोज हु लेफ्ट सर्विस, और वो जिन्होंने सर्विस छोड़ दी थी आफ्टर द डेट, इस डेट के बाद भी, आफ्टर द डेट इस डेट के बाद भी, एंड दोज हु आर स्टिल इन सर्विस, और वो लोग जो अभी भी सर्विस में है ना, वो लोग अभी भी सर्विस, तो ये सब आपके दोस्तों इंक्लूड हो गए थे। नियरली 16 लाख applications, तकरीबन 16 लाख applications हैं, have been received so far, जो अब तक आई हैं। Yet another extension, अब एक और extension कर दिया है EPFO ने, cannot be ruled out, कह रहे हैं एक और application जो है अब वो rule out नहीं कर सकते, अब उसको नहीं आगे बढ़ा सकते। After all, it is too early to indicate, कह रहे हैं ये तो बहुत जल्दी होगा ये बताने के लिए, that higher pension, जो higher pension है, फिर noun आ गया, higher pension disbursal, देखो pension भी noun है, disbursal भी noun है। डिस्बर्सल मतलब जो पैसों का वितरण होगा, जो फंड दिया जाना है। हायर पेंशन डिस्बर्सल विल बिगिन, ये शुरू होगा दिस फाइनेंशियल ईयर, इस साल शुरू होगा, ये बताना अभी बहुत मुश्किल है कि इसी साल शुरू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इवन इफ एप्लीकेंट्स, भले ही जो एप्लीकेंट्स हो मीट ऑल दी टर्म्स,
भले ये सारे के सारे टर्म्स को पूरा कर लें, कंडीशंस को पूरा कर लें, टर्म्स एंड कंडीशंस, फिर भी बड़ा मुश्किल है। सो कह रहे द यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री विच ओवरसीज, जो कि ध्यान रखती किसका, ईपीएफओ का, टोल्ड दी स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटी, इन्होंने स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमिटी को बताया है, बोला है कि कंसर्न है अर्ली दिस ईयर, हाँ अर्ली दिस ईयर, दैट इट दैट द इम्प्लीकेशंस, यानी कि जो ये प्रभाव होंगे ऑफ द कोर्ट्स वर्डिक्ट, वर्डिक्ट हो गया इसका डिसीजन कोर्ट के वर्डिक्ट के, ऑन द ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पर हैड नॉट बीन फैक्टर्ड इन, तो उसको डिवाइड नहीं किया जा गया है कि क्या इसके प्रभाव होंगे। वाइल वाइल के साथ हमेशा आईएनजी आता है। प्रिपेयरिंग द बजट एस्टिमेट, बजट एस्टिमेट पूरा का पूरा टर्म है जो नाउन की तरह इस्तेमाल हो, साथ में बजट एस्टिमेट भी प्रिपेयर करने के साथ साथ 2023-24 में कि क्या इसका इंप्लीकेशन आएंगे। तो जब बजट तैयार किया गया 2023-24 का, तब उसमें ये इंक्लूड नहीं किया गया था। तो कह रहे बड़ा मुश्किल है अभी के लिए किसी फाइनेंशियल ईयर में ये पैसों का वितरण उसमें करने वाले हैं कि नहीं करने वाले, ये बताना अभी थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ध्यान से सुनते जाना, इसी को लेकर मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बनाया है, उम्मीद है आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़िया से करोगे। जरा देखो, शुरुआत में इसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, कहते यार एक और आपने आगे डेट बढ़ा दी, एक और आपने डेट बढ़ा दी, वो क्रिटिकल आया, उसके बाद ये चिंता जता रहे हैं तो फिर ये कंसर्न दिखा रहे हैं, चिंता जता रहे हैं तो फिर ये दोस्तों कंसर्न है, कंसर्न जता रहे हैं। समझ में आ रहा है, बोल दें यस सर, एक बार कमेंट बॉक्स में सबका यस सर आ जाना चाहिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में यस सर लिख दो, यस सर समझ आ गया। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं दोस्तों, इसी के एनर्जी फुल रहे, ध्यान से देखते जाए, सब समझते जाएंगे। और ये स्टेप कैसा लग रहा है, नाउन तो आज सारा नाउन बताता जाऊंगा, दूसरे दिन वर्ब तो वर्ब सीखते जाएंगे, तीसरे दिन एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव देखते जाएंगे। आप सबको इससे हेल्प जरूर मिलेगी, इस बात का भी कमेंट करना कि जरा हेल्प मिल रही है। सभी लोग आओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू ऑफ कंसर्न है वो क्या है, इज द लैक ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी की कमी है ऑन द अमाउंट पेंशन। देखो ऑन द अमाउंट पेंशन मेंबर्स और पेंशनर्स, जो पेंशन मेंबर्स है पूरा का पूरा है, जो पेंशन मेंबर्स को अमाउंट मिलने वाला है और जो पेंशनर्स पेंशनर्स विल रिसीव, जो पेंशनर्स को रिसीव होने वाला है, उस पर क्लैरिटी की कमी है, वही कंसर्न है। शुड देयर एप्लीकेशंस, भले ही उनकी जो एप्लीकेशंस हैं बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट हो जाए, फिर भी अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा अमाउंट कितना अमाउंट मिलने वाला है। Their anxiety, उनकी जो चिंता है, is understandable, वो समझने योग्य है, as they particularly those, क्योंकि ये जो क्या है, particularly those still in service, service जो अभी भी service में है, give their consent, उन्होंने अपनी सहमति दी थी to transfer a substantial portion, क्योंकि higher pension तब मिलेगी जब employee की ही salary का थोड़ा ज्यादा हिस्सा सरकार काट के वहां सेव करेगी, तभी तो higher pension मिलेगी, तो वो agree भी हुए थे सभी के सभी लोग, तो higher जो हिस्सा है वो जा रहा है to transfer a substantial portion of their PF savings, उनकी PF savings का to the pension fund, ये किसमें जा रहा है, pension fund में, पूरा का पूरा नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ, ठीक है। दो, यद्यपि जो pensioners हैं जिनको pension मिलेगी, will have to make payments, उन्हें payments करना होगा separately to be considered eligible, कि उन्हें अगर eligible होना है separately, तो उन्हें payment करना होगा for higher pension के लिए, they would also be keen, तो अब वो इस चीज में इच्छुक भी होंगे to know, ये जानने के लिए हाउ मच पेंशन, कि कितनी पेंशन है दे वुड गेट, जो उन्हें मिलेगी। हाँ तो वो कितनी पेंशन मिलेगी भैया, पता भी होना चाहिए, हर महीने पैसे तो ज्यादा जाने लग गए, कटने लग गए, पैसे मिलेंगे कितने ही तो पता ही नहीं है, तो एक क्लैरिटी अभी दी ही नहीं है गवर्नमेंट ईपीएफओ ने। सो इट इज अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप, और इस बैकड्रॉप के यानी इस संदर्भ के हिसाब से दैट द ईपीएफओ जो है हैज सेंट डिमांड लेटर्स, इन्होंने क्या है, डिमांड लेटर्स भेजे हैं टू अबाउट 1000 पेंशनर्स को and employees को for collecting arrears, ताकि ये arrears को collect करें, यानी जितना amount due है उसको collect किया जाए, due amount ले लिया जाए, फिर उसके बाद ये pension देंगे। अभी due amount रह रखा है बहुत से लोगों से, है ना, ठीक है। As the calculator, अब इनका जो calculator है on the EPFO website पर, वो indicate करता है the amount, कि amount को indicate करता है to be transfer, कि इतना amount transfer होना है। It is time, तो ये समय है, अब वो समय आ चुका है कि जो ईपीएफओ है उसको क्या करना चाहिए, गिवन इंडिकेटिव फिगर, उसको वो एक इंडिकेटिव फिगर बता देना चाहिए कि इतना अमाउंट आना है, आना होगा पेंशन का। आपको यहां पर एक ग्रामर का रूल बताता हूं, देखो शानदार, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा शानदार रूल बताता हूं। अगर कहीं लिखा हो, ये हर बार न्यूज़पेपर में सही नहीं होता है, इस बार सही लिखा है तो मैंने कहा आपको बता दूं, हमेशा ध्यान रखना, कहीं लिखा है ये फ्रेज, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम,
इट इज पीक टाइम, इट इज अबाउट टाइम. कितने लोगों ने टेंस के चैप्टर में पढ़ा है मुझसे बता दो. इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज पीक टाइम, इट इज अबाउट टाइम. ये अगर लिखा हुआ है तो इसके बाद जो भी सेंटेंस जुड़ेगा उसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म लगेगी. और इसका मतलब क्या होता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. जैसे अब वो समय आ चुका है कि ईपीएफओ को इंडिकेटिव फिगर ऑफ पेंशन दे देनी चाहिए. सेंस जाएगा चाहिए का, लेकिन लिखेंगे सेकेंड फॉर्म. समझ में आ गया दोस्तों, मुझे बोले जी सर समझ में आ गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास, समझ में आ गया बढ़िया फर्स्ट क्लास. ठीक है, बहुत बढ़िया. एक बार जल्दी से फटाफट से आप सभी लोग मुझे बोल दो जी सर. आगे बढ़ते हैं. एटलीस्ट टू एप्लीकेंट्स कह रहे, कम से कम एप्लीकेंट्स को तो दोस्तों ये पता ही हो जाना चाहिए, जो एप्लीकेंट जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, हु हैव बीन इश्यूड द लेटर्स, जिनको लेटर्स इश्यू हो गए हैं, तो लेटर्स भी आपका दोस्तों नाउन. समझ गए, नाउन ध्यान रखते जाना. ठीक है, ओके. इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ प्री 2004 रिटायरीज, जो कि 2014 से पहले ही रिटायर हो गए हैं, इट अपीयर्स, ऐसा लगता है कि जो पीएफ अथॉरिटीज हैं हैव नॉट येट ऑफिशियली कमेंस्ड, उन्होंने अभी ऑफिशियली बात करना शुरू नहीं किया है, कम्युनिकेशन शुरू नहीं हुआ है ऑन द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशंस, उनकी एप्लीकेशंस के स्टेटस को लेकर के 2014 से पहले वालों के लिए. इवन दो यद्यपि जो अंडर द रूल्स क्या है, मोस्ट ऑफ दिस मे नॉट स्टैंड, ज्यादातर ये लोग स्टैंड नहीं करेंगे द टेस्ट ऑफ स्क्रूटनी पर. कहने का मतलब है इन पर टेस्ट ऑफ स्क्रूटनी, मतलब क्यों अभी तक इस पर रिस्पॉन्स नहीं आया है, क्या रीजन है, तो रीजन अगर बताए जाएंगे तो शायद रीजन वो लॉजिकली इतने रहेंगे नहीं, जबरदस्ती की थोड़ी डिले हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, ये इस बात को यहां पर बता रहे हैं. एम्प्लॉयर्स जो हैं हैव द हरकुलियन टास्क, उनके पास ये काफी डिफिकल्ट टास्क है ऑफ प्रोड्यूसिंग फिजिकल रिकॉर्ड्स, कि वो फिजिकल रिकॉर्ड्स निकाल के दे पाए फॉर एवरी एप्लीकेंट, हर एक एप्लीकेंट का. एज नॉट ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स, सारी की सारी जो कंपनीज हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स का मतलब कंपनीज हो गई, फर्म्स हो गई, उन सबको एस्टैब्लिशमेंट के तौर पर बताया गया. एज नॉट ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स विल हैव दीज रिकॉर्ड्स, सभी एस्टैब्लिशमेंट्स पर ये रिकॉर्ड्स नहीं होंगे. द सेंसिबल ऑप्शन, ये एक सेंसिबल ऑप्शन है फॉर द ईपीएफओ के लिए, वुड बी टू शेयर इट्स डेटाबेस, कि जिससे इसका डेटाबेस ये शेयर कर पाए विद एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स के साथ फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एप्लीकेंट ऑथेंटिसिटी, जिससे एप्लीकेंट ऑथेंटिसिटी को ये बता पाए. ऑथेंटिसिटी मतलब किसका पैसा कट रहा है और किसको मिल रहा है, ये पक्का हो पाए, ये ऑथेंटिसिटी हो गई, है ना. अच्छा, द सिचुएशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, सिचुएशन जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स है फॉर एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए, यानी कि कंपनीज के लिए, दैट आर नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, जो कि अब एग्जिस्टेंस में नहीं है. बहुत से एम्प्लॉयज वहां भी तो काम कर रहे होंगे जो अब खत्म हो गई है कंपनीज, एनडी हो गया उनका, बंद हो गया, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है. तो देयर अपीयर्स टू बी नो वे आउट, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है ऑफ देयर एम्प्लॉयज, उनके एम्प्लॉयज को लेकर और जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स को लेकर, टू अप्लाई फॉर हायर पेंशन, कि वो हायर पेंशन के लिए अप्लाई करें. गिवन दैट कहीं लिखा होता है, इसका मतलब क्या है, जैसा कि हमें पता है, ज्ञात है, द स्पिरिट ऑफ द जजमेंट, तो जजमेंट की स्पिरिट का मतलब है, पढ़ा था idiom, जिसका मतलब है बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, वर्डिक्ट जो आया उसके, इज टू प्रोवाइड अ बेटर सोशल सिक्योरिटी नेट, वो ये है बेटर सोशल सिक्योरिटी नेट मिल पाए. द यूनियन मिनिस्ट्री एंड द ईपीएफओ शुड बी प्रोएक्टिव, इन्हें पहले से ही रेडी होना चाहिए इन सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने में, एंड एंश्योरिंग दैट एवरी डिजर्विंग पर्सन, और ये इंश्योर करने में हर एक डिजर्विंग पर्सन जो हो गेट्स द बेनिफिट, उसको इसका बेनिफिट मिले. सो दिस इज ऑल अबाउट द एडिटोरियल नंबर 1. सबको समझ में आया तो मुझे बताएं. जी सर एडिटोरियल हमें समझ में आ गया. इस समझ के आने के बाद बढ़िया से आप लोगों ने सीख लिया तो मेरे को बताओ, जी सर हमने इसको सीख लिया है. एवरी वन ऑफ यू जल्दी से बता दीजिए, जी सर हम सीख गए हैं बढ़िया से. और अब आप लोगों के लिए एक काम, इसको हम लोगों ने देख लिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेकर आया हूं, दूसरे एडिटोरियल पे भी बढ़ेंगे, बट इससे जुड़ा हुआ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले. तो हम आ गए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर, ये रहा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, देखो आप बस पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे, ये आरसी आपको दिख जाएगा, ये स्लाइड नंबर 1. ठीक है, ये स्लाइड नंबर 1. ठीक है, ये स्लाइड नंबर 2. ठीक है, ये है स्लाइड नंबर 3. तीन स्लाइड में हो गया अपना यहां पर कंप्लीट. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट
of November 2022 as mentioned in the passage is related to which subject? किस चीज से जुड़ा हुआ है? Introduction of the new pension scheme, validity of amendments made in 2014 to the employees pension scheme, implementation of new provident fund structure, extension of retirement age for employees, merging of provident fund and pension schemes. जवाब दें. Tick tick 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. बात हो रखी थी जो 2014 में जजमेंट आया, अमेंडमेंट हुआ है उसको लेकर, जो जजमेंट है एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम को लेकर लिखा हुआ था. दिस इज द आंसर. दोस्तों क्वेश्चन बनाने के बाद ऑप्शन क्या रखने हैं बहुत सोचना पड़ता है. सुबह सुबह 4 बज के उठकर ये सब कुछ बनाना होता है. आसान नहीं होता, यूं ही नहीं सब कुछ बन जाता. समझ में आ रही है बात? तो दोस्तों आप सब लोग सुबह उठते हो और आते हो, दोस्तों बहुत जरूरी है इन सबको ग्रैब कर लेना. ठीक है, आ जाओ. अब मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं. ये अब आपको करने हैं, कमेंट में जवाब देंगे. अगला क्वेश्चन ये रहा. एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द ईपीएफओ? ईपीएफओ को कौन देखते है, कौन इसकी निगरानी करती है, बताइए. अगला क्वेश्चन, द ईपीएफओ का जो मूव है टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर एम्प्लॉय, असल में ये कहां से स्टार्ट हुआ है या मेरे को बताना, पूछ रहे स्पेसिफिक डेट कब से कब थी पहली वाली, उसके हिसाब से आपको बताना है. अगला क्वेश्चन, व्हाट इश्यू रिगार्डिंग द ईपीएफओस हायर पेंशन प्लान इज कॉजिंग एंजाइटी, किसकी वजह से चिंता जो है क्रिएट हो रही है अमंग मेंबर्स एंड पेंशनर्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, बताइए किसकी वजह से ऐसा हो रहा है. हाँ, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट पोटेंशियल प्रॉब्लम एग्जिस्ट, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है फॉर एम्प्लॉयर्स इन रिलेशन टू द ईपीएफओस हायर पेंशन स्कीम? ईपीएफओ के हायर पेंशन स्कीम से रिलेशन रिलेट करते हुए देखें तो क्या करती है आपको ये मेरे को बताना है. सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है. चलो ये हो गया अपना एडिटोरियल नंबर 1. मूव करते हैं दोस्तों एडिटोरियल नंबर 2 पर. ठीक है, एडिटोरियल नंबर 2 पर मूव करेंगे. आ जाओ, इसकी वो क्या आप नोट करेंगे, यहां चलते हैं. तो पहले वाले एडिटोरियल को सबको समझ में आ गया, कमेंट करके बता देना. जी सर. और आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट सब और है, बहुत सारी रिक्वेस्ट में एक रिक्वेस्ट ये भी है, आप लोग दोस्तों सेशन को प्लीज शेयर किया करिए, सब तक पहुंचा दीजिए. क्या एडिटोरियल में आया है मैं आपको एग्जैक्ट वो बता देता हूं, और उस एडिटोरियल में कितना बेनिफिट आप निकाल सकते हो मैं वो भी बताता हूं. तो सुबह उठो, सबको बताओ, 6 बजे आओ, लाइव जुड़ो और सीखो. आप आते हो पढ़ने, 500, 600, 700 के आसपास बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो आप सारे के सारे बच्चे मैक्सिमम लोगों को बताओ ताकि 2000 बच्चे भी जो हो वो पढ़ पा रहे हो. अगर मैं बढ़िया पढ़ाता हूं तो आइए आगे बढ़ते हैं. अगर अगला एडिटोरियल है प्लेड इन इंडिया, वर्ल्ड कप इंडिया में होगा उसको लेकर है. इसकी टोन है एंटीसिपेटरी. एंटीसिपेटरी का मतलब है पहले से ही दिमाग में रख लेना, अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है, उसे कहते हैं एंटीसिपेटरी. फ्यूचर में क्या हो सकता है इसको दिमाग में अभी से दिमाग लगाना. और दूसरा है एनालिटिकल. एनालिटिकल है एनालिसिस किया जाए किसी चीज का, उसे कहते हैं एनालिटिकल. पहला शब्द है प्रोमिनेंस. इसमें वर्ड काफी सारे मिलेंगे, वर्ड के लास्ट में एनसी है, नाउन की तरह इस्तेमाल होगा. इंपॉर्टेंस और द फैक्ट ऑफ बींग नोटिस्ड, प्रमुखता है, इंपॉर्टेंस को बताया जा रहा है, इसी को कहा जाता है. ये क्या है, प्रोमिनेंस है. क्या है दोस्तों, प्रोमिनेंस है. ठीक है, अगला वर्ड है दोस्तों सिनोनम इसके लिए, इंपॉर्टेंस हो जाना, नोटिसिएबिलिटी हो जाना, एंटोनम बन जाएगा ऑब्स्क्योरिटी हो जाना, यानी कि नोटिस ना कर पाना, ऑब्स्क्योर हो जाना, कहने का मतलब है धुंधला पड़ जाना, अनक्लियर रहना, उसके बारे में कुछ डिस्कशन ही नहीं होना, या फिर इनसिग्निफिकेंस हो जाना. ये दोनों के दोनों दोस्तों एंटोनम की तरह इस्तेमाल होता है. अगला वर्ड है दोस्तों इन टेंडम, एक साथ यूज होता है दोस्तों एडवर्ब की तरह. इन टेंडम जिसका मतलब है वर्किंग टुगेदर और एट द सेम टाइम, साथ साथ काम करना एट द सेम टाइम, उसी को कहते हैं दोस्तों इन टेंडम. अगला है दोस्तों साइमल्टेनियसली काम करना, कॉनकरेंटली काम करना, यानी कि एक ही समय में एक साथ काम करना, ये दोनों सिनोनम बन गए. अलग अलग काम करना सेपरेटली होता है, इंडिविजुअली हो जाता है अलग अलग काम करना. अगला वर्ड है दोस्तों समिट. समिट आपका नाउन की तरह इस्तेमाल होता है. हाईएस्ट पॉइंट या मीटिंग और कॉन्फ्रेंस एट द टॉप लेवल, शिखर को समिट कहते हैं. जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं तो फिर वो समिट पे पहुंचते हैं, हाईएस्ट पॉइंट जहां तक पहुंचना होता है, तब उनकी चढ़ाई जो है पूरी मानी जाती है. ऐसे समिट आप शब्द का इस्तेमाल याद रखिएगा. ठीक है, सिनोनिम है इसका पीक और पिनाकल.
एंटोनम है इसका दोस्तों बेस और बॉटम, ये दोनों के दोनों दोस्तों एंटोनम हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड है जिंक्स, जे आई एन एक्स, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, विच मींस ए पर्सन और थिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक, कोई चीज जिसकी वजह से कुछ खराब होता है उसी को हम कह देते हैं जिंक्स है। यार ये हो गया तो अब इसकी वजह से ऐसा कुछ खराब हो सकता है, कह देते हैं बैड लक है। अब लक की क्या बात है, बट हाँ कोई चीज जो कर्स हो जाती है उसी को हम कहते हैं हैक्स। नया शब्द है आप लोगों के लिए, हैक्स, जिंक्स और हैक्स। और एंटोनम इसका हो गया जो चीज चार्म ले आए, जो लकी चार्म जिसे कहते हैं, जिससे आपके अंदर खुशियां हो जाए, कुछ बढ़िया हो जाता है, उसे हम कह देते हैं दोस्तों दैट इज एंटोनम की तरह इस्तेमाल हो गया है। अगला शब्द है दोस्तों गिमिकी, क्या है गिमिकी, गिमिकी एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, विच मीन्स यूजिंग अ ट्रिक और डिवाइस, कोई एक ट्रिक यूज कर लेना, कोई चाल यूज कर लेना, हाँ इंटेंडेड टू अट्रैक्ट अटेंशन और बिजनेस, अटेंशन और बिजनेस को अट्रैक्ट करने के लिए उसी को कहते हैं, ये क्या है गिमिकी है, क्या है दोस्तों गिमिकी है। अगला वर्ड है दोस्तों इसके अलावा फ्लैशी और शोई, दोनों का मतलब क्या है, ऐसी ट्रिक और ऐसा डिवाइस कर लेना, दैट इज फ्लैशी और शोई। अगला वर्ड है दोस्तों सिंसियर और जेन्युइन, जो कि इसका एंटोनम बन गया, समझ गए, तो वो दोनों सिनोनम बन गए, ये दोनों इसके एंटोनम बन गए हैं। अगला वर्ड है दोस्तों अनवीलिंग, अनवीलिंग का मतलब है कोई एक ऐसी चीज जो छुपी हुई है अब वो सबके सामने उजागर हो गई है, अनवील होकर सबके सामने आई है, उसे हम कहते हैं उजागर होकर आना, द एक्ट ऑफ रिवीलिंग और मेकिंग समथिंग नोन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी चीज के बारे में पता चल रहा है, सो उसी को कहते हैं डिस्क्लोजर हो जाना, और रिवील हो जाना तो रिवीलेशन होना, और छुपा लेना तो कंसीलमेंट होना, और कवर कर लेना तो इसे बोलते हैं छुपा लेना, ये दोनों के दोनों दोस्तों इसके एंटोनम बन गए हैं, ये दोनों के दोनों दोस्तों इसके एंटोनम बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड है हमारे लिए टर्फ, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, विच मीन्स एन एरिया और प्लेस, एक एरिया और प्लेस दैट इज फैमिलियर, जो फैमिलियर है और वेयर यू हैव इंफ्लुएंस और कंट्रोल, जहां पर आपका इंफ्लुएंस है कंट्रोल है उसी को कहते हैं, उसी का बोलते हैं टर्फ। नया शब्द है सबके लिए टर्फ, लिख लो जरा कमेंट बॉक्स पे टर्फ, है ना, सिनोनम हो गया वो जगह, टेरिटरी हो गई वो डोमेन हो गया, एंटोनम हो गया जो जगह आपकी जैसी नहीं है, एलियन है यानी कहीं बाहर की है, फॉर एरियन एलियन टेरिटरी हो गई या फॉरन लैंड हो गई, ये दोस्तों आपकी जगह नहीं है, यहां पर आपका कंट्रोल नहीं होता, का आपकी डोमिनेंस नहीं होती, आपकी नहीं चलती, ये ऐसे कह के बात को बता रहे हैं। अगला शब्द है दोस्तों विलो, विलो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, वैसे विलो हम किसको कहते हैं, देखो एक पेड़ के जैसा, ए टाइप ऑफ ट्री विद लॉन्ग, पेड़ का एक टाइप विद लॉन्ग थिन ब्रांचेस हैं दैट हंग डाउन, जो हैंग डाउन हो रखी है नीचे की तरफ लटकी हुई है, उस प्रकार के पेड़ को हम विलो कहते हैं, जिसको हमने कहा श्रब है ट्री है, तो इसका कोई एंटोनम नहीं बनेगा, समझ गए, उसको एंटोनम हमने लगाया नहीं। अगला शब्द दोस्तों फ्रेंजाइड, फ्रेंजाई आपका वर्ब होता है, वर्ब में लगा थर्ड फॉर्म बन गया पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, फ्रेंजाइड का मतलब है वाइल्डली एक्साइटेड और अनकंट्रोल्ड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहना, अनकंट्रोल्ड रहना, उसे हम कहते हैं दोस्तों फ्रेंजाइड, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ, सो हमने लिखा वाइल्ड होना, हिस्टेरिकल होना, दोनों ही दोस्तों क्या हो गए सिनोनम बन गए, काम रहना कलेक्टेड रहना, दोनों के दोनों दोस्तों क्या हो गए एंटोनम हो गए, इस बात को दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेंटेंस का यूज हो गया, अगला शब्द है प्रोपगेट, प्रोपगेट है वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, विच मीन्स टू मल्टीप्लाई या स्प्रेड आउट, कोई चीज बहुत तेजी से प्रसारित हो जाना, स्प्रेड आउट हो जाना, चारों तरफ फैल जाना, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों प्रोपगेट हो जाना, प्रसारित करना, वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ, स्प्रेड होना प्रोलिफेरेट होना चारों तरफ फैलना, सप्रेस दबा देना, कर्टेल यानी कि उस पर कटौती कर देना रोक लगा देना, ये दोनों इसके एंटोनम बन गए, समझ में आ गई बात, बता दीजिए जी सर समझ गए हैं। अगला वर्ड है इन्फ्यूज, वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, टू फिल और टू कॉज टू एब्जॉर्ब समथिंग, किसी चीज को भर देना या कारण बनना किसी चीज के एब्जॉर्ब करने का, उसी को हम कहते हैं दोस्तों इसे इन्फ्यूज कर दिया, सिनोनम हो गया इंस्टिल करना परमिएट कर देना, ये दोनों का मतलब क्या है भर देना, है ना, ये इन्फ्यूज हो गया, एंटोनम हो गया एक्सट्रैक्ट करना रिमूव कर देना अलग कर देना हटा देना, ये दोनों एंटोनम की तरह इस्तेमाल हो गए हैं। अगला शब्द दोस्तों जॉस्टलिंग, वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, विच मीन्स पुश करना, पुशिंग एल्बोइंग या बंपिंग अगेंस्ट समवन, टकरा जाना रफली टिपिकली इन अ क्राउड, धक्का मुक्की हो जाना भीड़ में, उसी को क्या कहते हैं जॉस्टलिंग, वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ,
जॉस्टलिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ। शोव भी धक्का मुक्की कहते हैं, पुश भी धक्का हो गया, पुल मतलब खींच लेना, ड्रॉ मतलब निकाल लेना, खींच लेना, ये पीछे निकल धकेल देना का अपोजिट पीछे कर लेना, निकाल लेना, ऐसे करके दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिखते जाओ सभी लोग, जी सर ध्यान रखेंगे, नहीं भूलेंगे, सभी लोग दोस्तों लिखते जाइए। अगला वर्ड है दोस्तों एंड्यूरिंग, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है, लास्टिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो चीज ड्यूरेबल है वो लास्टिंग कर रखी है, पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेबल है उसे कहते हैं स्थाई है। तो लास्टिंग होना परमानेंट होना सिनोनिम हो गए, ट्रांजिटरी होना टेम्पररी होना, ये होता ट्रांजिटरी क्षण भर के लिए थोड़े समय के लिए, टेम्पररी होना, ये दोनों एंटोनिम बन गए, ठीक है। अगला शब्द है रिलक्टेंस, वर्ड के लास्ट में एनसी है, नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है किसी काम को करने की इच्छा ना होना, यानी कि अनविलिंगनेस होना, अनविलिंगनेस डिसइंक्लाइनेशन होना टू डू समथिंग, कोई काम करने की इच्छा ना होना, अनिच्छा होना, ओके। अगला वर्ड है दोस्तों हेजिटेशन और अनविलिंगनेस, दोनों सिनोनिम बन गए, और ईगरनेस होना या इसका मतलब होता है इच्छा होना कोई काम करने की, विलिंगनेस होना इच्छा होना कोई काम करने की, तो दोनों दोनों एंटोनिम बन गए, ठीक है, ऐसे करके हमने ध्यान रखा। आखिरी शब्द दोस्तों अलूफ, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ, विच मींस नॉट फ्रेंडली और फोर्थ कमिंग, कोई चीज फ्रेंडली नहीं है, है ना, फोर्थ कमिंग का नॉट फोर्थ कमिंग मतलब आगे साथ देने वाली नहीं है, कूल है डिस्टेंट है, वो आपका दोस्तों क्या हो गया अलूफ। तो डिस्टेंट और डिटैच्ड अलग रहना ये सिनोनिम बन गया, इन्वॉल्व रहना सोशिएबल रहना ये दोनों के दोनों दोस्तों इसके एंटोनिम बन गए। सो दिस इज अबाउट दी वोकैबुलरी एडिटोरियल नंबर टू, मुझे बताइए क्या आपको समझ में आया, सेकंड एडिटोरियल में ज्यादा वोकैबुलरी वर्ड्स आए ना, हमने इन सबको पढ़ लिया, सेकंड में ज्यादा वोकैबुलरी आई हमने इन सबको दोस्तों पढ़ लिया। सर बैंक या एसएससी या सीजीएल में से किसके एग्जाम इंग्लिश टफ आती है, देखो ऐसे आप कंपेयर नहीं कर सकते, बैंक और इंग्लिश में किस, बैंक और एसएससी में इंग्लिश किसकी टफ आती कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी करते हो वहां इंग्लिश पढ़ते हो तो एसएससी की इंग्लिश आपको इजी लगेगी, इसका मतलब ये नहीं कि बैंक की टफ होती है और इसका मतलब ये नहीं कि एसएससी इजी होती है, मेरी बात समझ रहे हो, क्यों ऐसा होता है मैं आपको बताता हूं, एसएससी में आपको लर्निंग पर फोकस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, है ना, ग्रामर पर डिटेल फोकस करना पड़ेगा, वोकैबुलरी याद करने वाली चीजें जो है वो ज्यादा फोकस करनी पड़ेंगी। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे एसएससी का क्लोज टेस्ट और बैंक का क्लोज टेस्ट, डिफरेंस बताता हूँ, बैंक के क्लोज टेस्ट में एक आर्टिकल आ रखा है, कोई ब्लैंक दिया है, पांच वर्ड है, तो पांच वर्ड अलग 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 होंगे, ठीक है। एसएससी में है क्लोज टेस्ट है ब्लैंक आ रखा, तो पांच वर्ड है ना, पांच वर्ड काफी सिमिलर से लगेंगे। बहुत छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि लगा हुआ है ब्लैंक में एक जगह लिखना है दोस्तों ए सी सी ई एस एस एक्सेस, एक तरफ लिखा है ई एक्स ई एस एक्सेस, एक तरफ लिखा है ए एस एस ई एस एस एसेस, एक तरफ और भी ऐसे लिखा है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे बड़े सिमिलर से शब्द मिलते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे, दैट मीन्स डिटेल्ड आपको चीजें वहां ऐसी पढ़नी पड़ती हैं। बैंक में आते हो तो यहाँ पर आपका जितना ज्यादा मैं रीडिंग कराता हूँ तो रीडिंग पे जितना फोकस कर लोगे एग्जाम निकल जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पर ग्रामर पर इतना दिमाग नहीं भी लगाओगे तो कोई इतना बहुत बड़ा रोल है नहीं, बट हाँ रोल तो होता ही है, बहुत बड़ा रोल क्या नहीं है, बट फिर भी क्या है कि अंतर आ जाता है, एसएससी की इंग्लिश है डिफिकल्ट लगेगी बैंक की, बट इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, इतना अंतर जो बेसिकली है जो कि दोनों के दोनों में आता है, समझ रहे हो मेरी बात, है ना। आ जाइए वो कैब कंप्लीट होने के बाद अब आते हैं हम इसकी ईडीएम्स पर, देखो इसमें भी ईडीएम्स काफी सारी है, इसमें तो 11-12 ईडीएम है। देखो क्लोज ऑन द हील्स ऑफ, लिखो मेरे साथ बोलते जाना, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ दैट मीन्स टू फॉलो और टू हैपन इमीडिएटली आफ्टर समथिंग, किसी चीज के तुरंत बाद कुछ होना, कुछ तुरंत बाद कुछ होना, दैट इज क्लोज ऑन दी हील्स ऑफ, क्या होता है क्लोज ऑन दी हील्स ऑफ। अगला है कम इन टू प्ले, कम इन टू प्ले का मतलब टू स्टार्ट टू हैव एन इफेक्ट और इम्पैक्ट, किसी चीज का इम्पैक्ट और इफेक्ट जो है स्टार्ट हो जाना, दैट इज कम इन टू प्ले। अगला है मेडन वर्ल्ड कप ट्रियम्फ, मेडन वर्ल्ड कप ट्रियम्फ का मतलब हो गया मेडन मतलब पहली बार, द फर्स्ट विक्ट्री इन द वर्ल्ड कप यहां पर यूज हुआ है, द फर्स्ट विक्ट्री इन द वर्ल्ड कप क्या हो गया मेडन वर्ल्ड कप ट्रियम्फ हो गया। अगला है कमर्शियल हार्ट, हार्ट है कमर्शियल हार्ट है कोई चीज, दैट मीन्स द सेंट्रल और मोस्ट इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट पार्ट, कोई सेंट्रल पार्ट है सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है सिग्निफिकेंट पार्ट है उसी को हम कहते हैं कमर्शियल हार्ट है। समिट क्लैश हो जाना, समिट मतलब फाइनल एकदम पीक पे पहुंच जाने, वो बोलते हैं ना समिट
हमने कहा था फाइनल कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन यूजुअली रिफरिंग टू फाइनल मैच इन अ स्पोर्ट्स इवेंट. यूजुअली किसके लिए यूज होता है? एक स्पोर्ट्स इवेंट में जो फाइनल मैच हो रहा है उसी को कहते हैं समिट क्लैश होने वाला है ना, फाइनल किन दो प्लेयर टीम के बीच में मैच है. अगला है दोस्तों ब्रेक थ्रू दी जिंक्स. ब्रेक थ्रू दी जिंक्स का मतलब सक्सेसफुली ओवरकम कर जाना ए पीरियड ऑफ बैड लक और मिसफॉर्च्यून. जिंक्स का मतलब यही तो होता है बैड लक. तो बैड लक हो या कोई मिसफॉर्च्यून हो उससे सक्सेसफुली ओवरकम कर जाने को कहते हैं ब्रेक थ्रू दी जिंक्स. अगला है एड टू दी फायरवर्क्स. एड टू दी फायरवर्क्स मतलब एनहांस और कंट्रीब्यूट कर देना टू अ लाइवली एंड पोटेंशियली कॉन्टेंशियस सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन जो थोड़ी झगड़े वाली है, परेशानी क्रिएट करने वाली है, ऐसी सिचुएशन को और बढ़ा देना, दैट इज एड टू दी फायरवर्क्स. समझ में आ गई बात? ऐसे अगला है दोस्तों हाई डेसिबल मार्केटिंग कैंपेन. हाई डेसिबल मार्केटिंग कैंपेन का मतलब एक लाउड और इंटेंस एडवर्टाइजिंग एफर्ट. मार्केटिंग कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो लाउड और एनहांस करते हुए इंटेंसिटी के साथ, दैट इज हाई डेसिबल मार्केटिंग कैंपेन. अगला है द एक्शन ऑन द टर्फ. द एक्शन ऑन द टर्फ द इवेंट्स और एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस ऑन द फील्ड. इसमें क्रिकेट के लिए बात कर रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं इन द फील्ड उसी के लिए कहते हैं द एक्शन ऑन द टर्फ. समझ गए? अभी और भी idiom है, देखो. अगला है स्टे रेलेवेंट. रेलेवेंट बने रहने का मतलब टू रिमेन इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बने रहना, मीनिंगफुल बने रहना इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज स्टे रेलेवेंट. दूसरा यूज हुआ है टू मैन एंड अ डॉग. दो आदमी और एक कुत्ता, दैट मीन्स अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल यूज टू सजेस्ट दैट हार्डली एनीवन इज इंटरेस्टेड इन और अटेंडिंग समथिंग. क्या मतलब है? दो आदमी और एक कुत्ता. एक शादी हो रही थी, इन्हें कहा मेहमान को बुला लिया जाए. मेहमान में कौन आए? दो आदमी आए और एक कुत्ता आया. इसका मतलब ये हुआ बहुत ही कम लोग हैं जो किसी चीज में इंटरेस्टेड है या कोई चीज अटेंड करने में इंटरेस्टेड है, उसके लिए idiom यूज होते. याद रहेगा दो आदमी और एक कुत्ता, सबको याद रहेगा. अगला है दोस्तों सॉफ्ट पावर क्या होती है. ए परसुएसिव अप्रोच है टू इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, टिपिकली इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस रदर देन फोर्स और कोअर्जन. जबरदस्ती आप किसी से इन्फ्लुएंस या किसी से यारी दोस्ती इंटरनेशनली नहीं बढ़ा पा रहे हो. कैसे करोगे आप? आपका जो कल्चर है, कल्चर का इन्फ्लुएंस है, उसको लगाकर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों दैट इज सॉफ्ट पावर. 12 प्रकार की idiom इसमें से बनी. बड़ा सोच सोच कर दोस्तों बनाना पड़ता है और ये मैंने इसमें से लिखी. ये कोई idiom कहीं और की नहीं होती, इसी एडिटोरियल की होती है. इसी में से दोस्तों मैं निकालता हूं आपके लिए मेहनत करके, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना हो, कोई दुनिया भर की PDF डाउनलोड करने की जरूरत ना हो. लेकिन ये PDF जरूर डाउनलोड कर लेना. और आप सबसे मैं जरूर कहता हूं रेगुलरली 6 बजे आते हो तो 6 बजे सब आया करो, सबको बता दो 6 बजे मतलब 6 बजे आ जाओ. आते हैं, अब आते हैं एडिटोरियल पर, पढ़ेंगे एडिटोरियल. ये है कितने लोगों का फेवरेट जो स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है, मुझे बताओ, प्लेड इन इंडिया. और कितने लोगों को याद है लास्ट टाइम जब हम लोग ODI का जो 50 ओवर का होता है वो वर्ल्ड कप जीते थे, धोनी ने जीता था, और अपने यहां पर इंडियन मीडिया कह रही थी देखिए कितना लगता है नकली वर्ल्ड कप दे दिया है, असली वर्ल्ड कप में 3 स्टार लगे हुए थे, देखो नकली वर्ल्ड कप है, इसमें तो स्टार एक गायब है. याद है? कुछ भी चलता है अपने यहां पर, है ना, कुछ भी चलता है, मतलब कुछ भी चलता है. 2000 रुपए के नोट में चिप लगी हुई है, चिप 20 फुट नीचे भी 2000 का नोट किसी ने छुपा के रखा होगा तो उसको सरकार पहचान लेगी, इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाएगी. अपने यहां सब चलता है. तो अपने यहां ये देखो बताओ, अब चलने वाली बातें कब होस्ट होगा वर्ल्ड कप होस्ट, इसकी बात को बता रहे हैं. प्लेड इन इंडिया ऑन इंडिया एज क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट. The World Cup is an opportunity. ये एक opportunity है for ODI के लिए, है ना? One day जितने भी game होते हैं ना, देखो आज के समय में हो क्या गया है कि 2020 में ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट आ गया है, और टेस्ट तो भैया भूल ही जाओ, ऐसा टाइप का हो गया. टू रीगेन प्रोमिनेंस, फिर से इसकी इंपॉर्टेंस को रीगेन करने के लिए अब वर्ल्ड कप क्या है, शायद वर्ल्ड कप का आना क्या है लोगों में और ज्यादा एनर्जी भर देगा. देखो पूरी बात इसमें बताई गई है पुराने से लेकर अब तक, ठीक है, सब पढ़ेंगे. देखो पढ़
पढ़ते जाएंगे, मेरे साथ बोलते जाएंगे, आपको याद होता जाएगा। ठीक है, आ जाइए। क्लोज ऑन द हील्स ऑफ 40th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज मेडन वर्ल्ड कप ट्रियंफ, इंडिया की जो पहली वर्ल्ड कप विक्ट्री थी तब से लेकर अब कैलकुलेट करें तो 40वीं ये एनिवर्सरी है, 40 साल हो गए हैं उस बात को। इन 1983 में क्रिकेट में वर्ल्ड कप मिला था इंडिया को। ये क्रिकेट शोपीस इवेंट है, रिटर्न्स टू द गेम कमर्शियल हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीवियसली क्या था, इंडिया ने जब होस्ट किया था चैंपियनशिप को, वो 1987 में वर्ल्ड कप हुआ था, वो होस्ट किया था इंडिया ने पहली बार 1987 में, फिर 96 में, फिर 2011 में, एंड इवन इफ 2023 अब जो है एडिशन बेस्ड वॉज वेल नोन इन एडवांस, पहले से हमें पता 2023 में इंडिया में हो रहा है। इट वॉज ऑन ट्यूजडे वाले दिन दैट द आईसीसी जो है इन टेंडम यानी उसके साथ साथ विद द बीसीसीआई इन्होंने अनाउंस किया द फाइनल शेड्यूल जो होगा मैचेस का, वो अनाउंस किया दैट कमेंस जो शुरू होते हैं ऑन अक्टूबर 5 से एंड कंक्लूड होंगे ऑन नवंबर 19 को, ये एंड होगा विद अहमदाबाद होस्टिंग। अहमदाबाद होस्ट करेगा बोथ इनॉगरल गेम को, यानी कि शुरुआत पहला मैच भी अहमदाबाद में होगा, एंड समिट क्लैश और जो फाइनल मैच होगा वो भी अहमदाबाद में होगा। इंडिया का फाइनल जीतना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी, चाहे कुछ भी करना पड़े है, जीतना चाहिए इंडिया ही। चलो दी परसेप्शन, लोगों के दिमाग में परसेप्शन पता है क्या है, अपने एडिटोरियल भी ऐसी बातें लिखता है, एडिटर भी ऐसी बातें लिखता है, पता परसेप्शन क्या है कि जो होस्ट नेशन होता है ना, जो क्रिकेट मैच कराता है ना, नेवर विंस, वो जीतता ही नहीं है। ओहो नोबिता हैज विन ओवर द लास्ट फ्यू एडिशन, तो ऐसी जो बातें हैं पुरानी कुछ एडिशंस को हटा देते हैं कि पहले भी होस्ट कराई है कंट्री ने और वो जीती भी है, है ना। जैसे इंडिया ने 2011 में कराया, इंडिया जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में कराया था, 2015 में ऑस्ट्रेलिया जीता था। इंग्लैंड 2019 में कराया, बेचारा ये भी जीत गया, इन्हीं का गेम जीतने बड़े कम थे लेकिन ये भी जीत गए। सो ब्रोक थ्रू द जिंक्स, तो ये जो जिंक्स थी, ये जो बैड लक था, इन्होंने बैड लक तो हटा दिया। ऐसा भी बात है नहीं कि जो होस्ट कराता है वो तो कभी जीतेगा नहीं, हिसाब से कोई कराएगा नहीं, लेकिन इन्होंने लिख दिया, इन्हें मालूम है कि ठीक है हमारी जनता को क्या चाहिए। चलो ये आ चलते हैं आगे बढ़े, कह रहे एंड एज द वर्ल्ड कप रिटर्न्स टू इंडिया, वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया में, इट्स फेस्टिव सीजन में, दिवाली का सीजन आ जाएगा, इट रिमेन्स टू बी सीन, तो देखने वाली बात होगी, द मैन इन ब्लू कैन ऐड टू द फायरवर्क्स, क्या यहाँ पर हम द मैन इन ब्लू इंडियन क्रिकेट टीम को कहा जाता है कि जो हमारे फायरवर्क्स हैं यानी कि बम पटाखे जो हम चलाते हैं, क्या बम पटाखे हम और ज्यादा चलाएंगे, ये कहने का मतलब है, जब जीत जाएंगे या नहीं जीतेंगे तो उदास हो जाएंगे, ये कहने का मतलब है। The gimmicky unveiling of the cup up in the skies on Monday को जब ये एकदम इनका पैतरा है बताने का, जब इन्होंने बताया, was part of the high decibel marketing campaign, इनका high decibel marketing campaign का हिस्सा है कि बहुत तेजी से campaign किया जाए, लोग ज्यादा से ज्यादा आए क्रिकेट स्टेडियम में। But what matters, क्या मैटर करता है, is the action on the turf, कि इस पर क्या काम किया गया है। With domestic T20 leagues, जब अपने यहाँ पर T20 leagues होती हैं, eating into the calendar, कहने का मतलब पूरे कैलेंडर में वो फिक्स होती हैं, ODI needs the World Cup to stay relevant, ODI को relevant रहना बहुत जरूरी है। जैसे ही दोस्तों T20 गेम आता है, दुनिया भर के अलग अलग एप्स भी आ जाते हैं और बड़े बड़े चेहरे आकर कहते हैं कि डाउनलोड करिए इस ऐप को, इसका नाम है चिंगू पुंगू, और इस ऐप में देखिए, खेलिए और जीतिए, और प्रेडिक्ट करिए कौन सी टीम आपका गेम जीतेगी, कौन सा क्रिकेट में जो क्रिकेटर है वो ये बॉलिंग करेगा, बैटिंग करेगा, जीती है, और देखिए 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 जितनी देर में मैं आपसे बात करो मैंने कमा लिए 20,000 रुपए, वाओ आप भी कमा सकते हैं, क्या बात है भाई, तू 20,000 कमा रहा है तो खुद ही कमा के 20,00,000 कमा के जेब में रख लेना, वीडियो के ऐड क्यों कर रहे हो भाई। और इनके चक्कर में बहुत सारे हमारे जो यंग बच्चे हैं वो इसी में फंस जाते हैं, और बड़ा छोटा छोटा पतला पतला टर्म्स एंड कंडीशन में तेज बोलते हैं, इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है, वित्तीय जोखिम शामिल है, सोच समझ के करें, तुमने पहले इन्फ्लुएंस कर दिया, चॉकलेट खाओ चॉकलेट खाओ चॉकलेट खाओ, इसमें जहर है, ये रहा जहर, अरे बढ़िया होता है, बहुत टेस्टी है, जहर ज्यादा जहरीला नहीं है, सिर्फ आंख ही खराब होगी या थोड़ा गुर्दा, वो अभी नहीं होगा 10 दिन बाद होगा, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बहुत बड़ी, खा के देखो, ओहो ओहो ये चम्मच से खा रहा, वो कितना टेस्ट, कितना टेस्टी, खा गया वो, कहते थोड़ा मर भी सकते हो उससे 10 मिनट बाद, कोई दिक्कत नहीं है,
बहुत टेस्टी है, बट ये करके अपने देश के बहुत सारे युवा तो बर्बाद हो गए, मैं लिटरली बता रहा हूँ बर्बाद हो गए। आईपीएल पे वो सट्टा लगाने का, जुआ खेलने का ये एक लीगल तरीका ढूंढ लिया। सही बात है, अग्री करते हो कि नहीं बताओ। अपने बेचारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं यार, वो परेशान, मतलब मैं खुद परेशान होता, मुझे पता चलता है यार, और बड़े बड़े चेहरे ऐसा करते हैं। देखिए जितनी देर में मैंने आपसे बात करी उतनी देर में 1,00,000 रुपए कमा लिए, वाह, अरे वाह वाह, इनका वाह पकड़ना पड़ेगा। देख रहे हो आप लोग, ऐसी चीज में बिल्कुल भी नहीं फंसना, फिर से क्रिकेट आने वाला है, ठीक है। आपके छोटे भाई बहनों तो उनको भी समझाना है, द विलो गेम लॉस बिटवीन द रोमांस ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट का प्यार मोहब्बत इनका है, एंड फ्रेंजाइड थ्रिल्स ऑफ T20, T20 में जो इनका थ्रिल है, हैज सीमिंगली इग्नोर कर देता है चार्म्स ऑफ द गुड ओल्ड ODI। ODI कहीं थोड़ा फीका फीका सा रह जाता है, ये कहने की बात को बता रहे हैं। द लेटेस्ट वर्ल्ड कप में परहैप्स रीबूट ODIs, हो सकता है फिर से वर्ल्ड कप आए, अब ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, ये रीबूट कर दे ODI को, है ना। आ जाओ, तो वन डे जितने भी मैच होते हैं दोस्तों, वो मैचेस पहले किसी टाइम पर बहुत अच्छे रहा करते थे। मैं जब तक क्रिकेट देखा करता था दोस्तों, तो वनडे मेरा, मैं उसी का फैन था। उसके बाद से T20 आया, तो शायद साल दो साल मैंने T20 देखा होगा, उसके बाद से फिर मैं टाइम ही नहीं मिला, मैच देखने का ही टाइम नहीं मिला, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैच देखने का ही टाइम नहीं मिला, पढ़ाने में बिजी हो गया, इसी में इन्वॉल्व हो गया, 24 घंटे कैसे निकल जाते थे पता नहीं चलता, भाई इतना देख लेता कौन जीत रहा कौन आ रहा। ठीक है, धोनी कोहली के बाद फिर आगे के जितने भी वो बड़े फेमस क्रिकेटर आए मेरे को पता ही नहीं, हालांकि खराब बात है, पता रहना चाहिए, बट इंटरेस्ट ही नहीं रहा, हट गया इंटरेस्ट। अब ऐसे ही लोगों का इससे इंटरेस्ट हट गया, तो कह रहे हैं इंटरेस्ट आना बहुत जरूरी है। क्रिकेट इज अ स्पोर्ट, क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है विद अ लिमिटेड ग्लोबल फुटप्रिंट, लिमिटेड ही इसमें आते हैं लोग। ICC का जो बिग टिकट चैंपियनशिप्स है, प्ले अ पार्ट इन प्रोपगेटिंग द गेम, गेम को और फैलाने में ये इसका बड़ा हिस्सा है। बीइंग द फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज इन इंडिया में विद इट्स समर्स प्रॉपिंग अप द इंडियन प्रीमियर लीग, IPL समर में तो IPL ने पूरा माहौल बनाया है, विद डोमेस्टिक क्रिकेट ड्रॉज इन द प्रोवर्बियल टू मैन एंड अ डॉग। लेकिन उस माहौल में जो डोमेस्टिक क्रिकेट रहा वो कैसा रहा, टू मैन एंड अ डॉग। कितने लोग देखने गए क्रिकेट, दो आदमी देखने गए और साथ में एक कुत्ता लेके गए, चल भाई डोबरमैन साथ में। तो कहने का मतलब है कम लोग आए, जब कम लोग आते हैं उसको यही कहते हैं, समझ गए idiom ऐसे। This World Cup offers another opportunity, एक और opportunity इससे मिलेगी to attract the crowds and infuse life into ODIs, ताकि live ODI में जान भी भर दी जाए। That former champions, कि जो former champions है, West Indies है, श्रीलंका है, are jostling, वो in the qualifiers remains a sad reality, ये sad reality बनी हुई है। While it is heartening, एक चीज खुशवाली है वो ये है, to see Afghanistan in the main draw। अफगानिस्तान आएगा यहाँ पर, तालिबान छोड़ने आएंगे उन्हें, देख रहे हो मेरी बात। क्लोजर होम रोहित शर्मा मैन हैव द डिफिकल्ट टास्क रहेगा ऑफ रिपीटिंग व्हाट MS धोनी ट्रूप, क्योंकि धोनी ने तो जीत लिया वो वाला वर्ल्ड कप, अब टास्क इनके ऊपर है जो इन्होंने 2011 में किया था धोनी ने, अब इनके ऊपर पूरा का पूरा रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर है, इन्हें जिताना है। भाई जिता देंगे, हमें कॉन्फिडेंस है पूरा, है ना। From that winning outfit, उस winning outfit से Virat Kohli remains an enduring link, ये enduring link बने रहेंगे, and he and his colleagues have to end the drought in ICC events, और ICC events में इन्हें end लेकर आना पड़ेगा, वो और उनकी पूरी की पूरी टीम। कहने का मतलब है जीतना पड़ेगा, जो यहाँ पर ICC में जीते वैसे यहाँ पर जीतना पड़ेगा। India last won a title, championship trophy in 2013 and has subsequently failed, और उसके बाद से दोस्तों ये fail ही हुआ है इंडिया। Off the field डिप्लोमेसी विल कम इन टू प्ले, अब आ गया हमारा जो पड़ोसी एक हिस्सा है जो था अपना ही पाकिस्तान, भगा दिया, कहते कि तुम नहीं आओगे हमारे यहाँ पर, हम भी नहीं जा रहे तुम्हारे यहाँ। अब एक क्रिकेट होगा, वर्ल्ड कप होगा, तो बुलाया जाएगा इसको कि भाई आ जाओ। सो अपसेट है ये भी विद इंडियाज रिलक्टेंस टू टूर, इंडिया ने मना कर रखा है टूर नहीं करेंगे भैया, नहीं करेंगे, हैज बीन अलूफ, अब ये थोड़ा अलूफ है। द लेटेस्ट द इंडियन गवर्नमेंट कुड डू, अब जो कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट वो ये, टू स्मूदन द वीजा प्रोसेस, पाकिस्तान के लिए वीजा प्रोसेस को थोड़ा सा स्मूदन कर सकता है कि ठीक है आ जाओ लाइन में खड़े रहते हो, 4 घंटे नहीं 2 घंटे खड़ा कराएंगे, काम करवा लेंगे। ये अभी क्या किया देखो, ऑस्ट्रेलियन उस्मान ख्वाजा
ये पाकिस्तानी मूल के हैं विद पाकिस्तानी रूट्स, साथ में द पाकिस्तान फुटबॉल स्क्वाड हैड टू वेट, इन्हें वेट करना पड़ा था फॉर अ वीजा के लिए टिल द लास्ट मिनट तक इन्हें वीजा नहीं मिल रहा था, इन्हें डाउट था यार वीजा नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी, ये दिक्कत है पाकिस्तान के साथ, एंड इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन अ रेजिम फुल्ली अवेयर ऑफ स्पोर्ट्स सॉफ्ट पावर, और ये थोड़ा यहाँ पर दिखाता है खराब की पूरी तरह सॉफ्ट पावर पे डिपेंड करता है। आपको मालूम है पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का मतलब है जब सारे के सारे इंडियंस जो हैं एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ठीक है चलो खेल ले रहे हैं, और हर बार पाकिस्तान हारे हमसे, हर बार है ना, जितनी बार भी खेले हार जाए, जीरो पे आउट हो जाए, मन करे पहली खत्म हो जाओ, 11 की 11 ही सारे आउट हो जाए, तो इंडियंस को मजा आए, कहेंगे बुलाएंगे आ जाओ दोबारा खेल लो क्रिकेट, ठीक है ना। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि ये चीज सॉफ्ट पावर पे ज्यादा डिपेंड करती है, हम फोर्सफुल कोई चीज नहीं कर सकते, पाकिस्तान की तरफ से बिहेवियर बहुत अच्छा होना भी बहुत जरूरी है, चीजें सिचुएशन बढ़िया होनी जरूरी है, ये सिर्फ इंडिया के साथ ही, इसका पूरी दुनिया के साथ में ये हिसाब किताब है ना। चाइना इसका अच्छा दोस्त है, चाइना क्रिकेट खेलता नहीं है, वो क्रिकेट खेलता नहीं, समझ रहे मेरी बात। ये दोस्तों एडिटोरियल नंबर 2, उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे समझ में आया होगा, आप सब लोगों ने इसे अच्छे सीख लिया होगा बढ़िया तरीके से। अब बताइए कैसा लग रहा है सीखकर, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज तारीख है दोस्तों 29, कल 30 है, फिर कल 30 है बस, उसके बाद दोस्तों ये महीना कंप्लीट हो जाएगा। कल दोस्तों मैं आपको वो गैप कराऊंगा, परसों है दोस्तों आपके सामने 1 जुलाई, और 1 जुलाई से आपको जैसा कि पता है 1 जुलाई से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ये वाला कोर्स लेकर आ रहा हूं एडिटोरियल 365। आप में से सभी लोग जिन्होंने इसे एनरोल कर लिया है रेडी रहना, पहली क्लास हम 1 जुलाई को करेंगे सैटरडे वाले दिन, और 2 बजे दोस्तों इसका टाइम है, ठीक है, लाइव टाइम 2 बजे है। आप में से सभी लोग जिन्होंने प्लान कर रहे हैं IBPS क्लर्क का एग्जाम, IBPS PO का एग्जाम, SBI क्लर्क का एग्जाम, SBI PO का एग्जाम, प्री मेंस दोनों, RRB का भी मेंस, सारे एग्जाम यहां मैं कवर कराऊंगा। इसकी फीस सिर्फ ₹365 है, 1 जुलाई को ये फीस दोस्तों 999 हो जाएगी, बैक टू प्राइस आ जाएगी। मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी बच्चा रहे, 30 जून तक दोस्तों इसका प्राइस ₹365 है। ये 365 दिनों के लिए पूरी की पूरी क्लासेस हैं। अभी देखोगे क्लासेस आपको एक ही महीने की शो हो रही होंगी, इसमें क्लासेस ऐड होती चली जाएंगी 365 दिनों के लिए, ऐसे करके दोस्तों ये क्लासेस हैं। तो दोस्तों 365 दिन हम पूरे पढ़ेंगे, 60 मिनट की क्लास हुआ करेगी। मैं आपको वर्कशीट दूंगा, प्रैक्टिस साथ कराऊंगा, जो बेसिक नोट्स होते हैं वो दूंगा ताकि आपके बढ़िया से याद रहे, आप भूल ना पाओ। अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करिएगा, उस ऐप में जाकर आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ स्टोर का ऑप्शन आएगा, इस पे टैप करना, आपको मेरा कोर्स ऐसे दिख जाएगा, इसको दोस्तों परचेस कर लेना। बाकी आप में से सभी लोग डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उस पर भी सीधा टैप करके कोर्स परचेस कर सकते हो। कोई रह मत जाना दोस्तों, क्योंकि अब बचे हुए आपके पास आज और कल 2 दिन, कोई दिक्कत आए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके परेशानी जो है वो पूछ सकते हो कि सर ये दिक्कत आ रही है, डिस्कशन करना है, ठीक है। आज के सेशन को बाकी खत्म करेंगे, एक इन्फॉर्मेशन बताना और है आप लोगों को, नाराज मत होइएगा, लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, पहले से अब मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी, छूट गया वो, ये है मैंने जैसे कल बताया था अनअकैडमी पर क्लास सुबह 9 बजे होती है, आज लगाना फिर भूल गया मैं, और 3 घंटे का गैप चाहिए होता है, तो दोस्तों वो आज लग नहीं पाई, टेंशन नहीं लेनी है किसी को, ठीक है। अब मैं बाकी जो क्लासेस हैं पहले ही लगा दिया करूंगा, जिससे कि आपकी क्लास सारी की सारी 9 बजे पहले से, तो आज ये क्लास नहीं है 9 बजे वाली, तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास को कर सकते हैं, हम इस क्लास को दोस्तों 11 बजे कर सकते हैं, बताओ 11 AM पर, बताओ 11 AM पे कर लेते हैं सिर्फ आज आज के लिए, बाकी मैं इसे पूरे की पूरे मंथ की क्लास पहले से ही शेड्यूल कर दूंगा, कंप्लीट मंथ की क्लास पहले से ही दोस्तों शेड्यूल कर दूंगा, तो छूटेगी नहीं कोई क्लास, ठीक है। आज आज के लिए हम 11 बजे करेंगे, ठीक है, तो कोई परेशान नहीं होना है, आज आज के लिए 11 बजे करेंगे अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास, और शाम को जो यूट्यूब पर मिलते हैं दोस्तों वो शाम को तो यूट्यूब पर मिलेंगे ही, और आज जो हम यूट्यूब पर क्लास करेंगे, आप सब लोग ध्यान रखिएगा, क्लोज टेस्ट करने वाले एग्जाम में वो कैब आपको और अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे घुमाती है क्लोज टेस्ट में, आपको घूमने नहीं दूंगा मैं। क्लोज टेस्ट दोस्तों आज करेंगे शाम के 6 बजे अपने प्यारे इसी एडिटोरियल एंड इंग्लिश विशाल परियार इसी चैनल पर। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना, सेशन अच्छा लगा है लाइक बटन पर जरूर प्रेस करना, कोई और बात हो जरूर कहना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।
जय भारत। थैंक यू।